जय जिनेंद्र, मैं गोली जैन चेन्नई से। आज हम लोग बनाएंगे वेज रोटी कॉर्न पिज़्ज़ा। वेज रोटी कॉर्न पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में 2 स्पून घी, बीन्स 1/4 बाउल, 1/4 बाउल कैप्सिकम, 1/4 बाउल स्वीट कॉर्न, थोड़े से टमाटर, और भी कोई वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो आपको पसंद हो। अब हम इसे लाइटा सॉटे करेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, आप कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। ये हमारा वेजिटेबल्स रेडी है, हम इसे बाउल में ले लेते हैं। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हम लेते हैं पैन में 2 स्पून घी एंड मैदा। मैदा हमने घर पे बनाया है, जिसे हमने मलमल के कपड़े में 4 से 5 बार गेहूं के आटे को अच्छे से छान लिया है, जिससे हमारा मैदा बन जाता है इस तरह से, देखिए। अब हम इसे 2 स्पून मैदा लेंगे, इसको हल्का रोस्ट करेंगे। हमारा मैदा रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि हमें वाइट सॉस पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही बनाना है, देखिए इस तरह से। ये हमारा वाइट सॉस रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। आप और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, जो हमने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो घर का बना हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग रेडी है, हम इसे ले लेते हैं बाउल में। अब हम बनाएंगे रोटी कॉर्न पिज़्ज़ा। रोटी कॉर्न बनाने के लिए हम लोग लेते हैं रोटी को। रोटी को हम हाफ सेंटर से इसे ऐसे हाफ कर लेंगे। अब इसका एक स्लाइस लेते हैं। स्लाइस को इस तरह से हम लोग मैदा और पानी का मिक्स करके हमने एक बैटन तैयार किया है। इस बैटन को हम लोग लेते हैं और इसे रोटी के कॉर्नर में लगा लेते हैं इस तरह से, और हाथ में लेकर इस तरह से एक कोन का शेप दे देंगे हम इसे, एंड फिर से लास्ट में से इस बैटन के साथ से अच्छे से चिपका लेते हैं। अब जो हमारा स्टफिंग हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो हमारे सारे कोन में, फिलिंग अच्छे से करने के बाद हम इसे मैदा के बैटर में डीप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, एकदम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे हम धीरे धीरे हिलाते हुए ऊपर से डालते हुए फ्राई कर लेंगे। यह हमारे रोटी कॉर्न पिज़्ज़ा फ्राई हो चुके हैं, हम इसे ले लेते हैं बाहर। हम इसे सॉस में डिप करेंगे इस तरह से, एंड इसके बाद ये नायलॉन सीव में इस तरह से ये रेडी है। ये रेडी है हमारा वेज रोटी पिज़्ज़ा कॉर्न।